हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं CKPA स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का जो मेरा क्लास होगा जो कि क्राइस्ट कोर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्लास टेंथ के लिए है, क्लास टेंथ का स्टूडेंट के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो कि समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा जो कि क्वेश्चन पे ले जाता कर रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो उत्तर में है जो कि 1789 की, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ में जो कि है हुई थी यूरोप का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो कि बिल्कुल जो कि है 1789, ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया था? तो उत्तर में है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बूबो वंश। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना जो की है बिना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बूबो वंश के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि 4 कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। और 6 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जालबेरिन एक संस्था थी जो कि व्यापारियों की थी। जालबेरिन किस एक कैसा संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। 1829 की जो कि है एडिनानोपुल जो की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। 1829 की जो कि है एडिनानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर काउंट 8 कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर जो कि है एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किसने पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर काउंट जो कि काबूर ने विक्टर जो कि एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के जो कि है आधार पर उन्होंने जो किया नियुक्त किया था। मेरा बिल्कुल सही है। तो गैरी 9वां क्वेश्चन करा, गैरी बाल्टू पेशे से क्या था? तो नाभिका। गैरी बाल्टू पेशे से क्या? नाभिका। ऑप्शन 10वां करा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के महाअंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। रक्त एवं लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। 12 में कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो कि प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। कह रहा है यूरोप वासियों के लिए जो कि किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो कि है प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का रहा था। 13वां कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। 14वां कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडोन का युद्ध के जब जो कि है हुआ था पूरा। क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है कि यंग जो कि यूरोप यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। उत्तर में कह रहा है मेजनी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1870 ईस्वी में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के जो बीच युद्ध हुआ था जो कि कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था 1870 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना किया था। राइन संघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करा कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा जो थी मैग्यार था, मैग्यार। 19वां क्वेश्चन करा कि जौलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो पर्सा ने किया था, यूनान। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। 21वां क्वेश्चन करा कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो उत्तर में है फ्रांस। 22वां कह रहा है कि एक फॉर्स जो कि है यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 ईस्वी में जो कि उसको पारित हुआ था 1707 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। 23वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? उत्तर में संवैधानिक राजतंत्र के जो कि 1830 में जो कि है प्रकाश का शासन स्थापित किया गया था। 24वां क्वेश्चन कह रहा है सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की हुई थी, ऑस्ट्रिया।
सेनाओं की युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की हुई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है रूप में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ये मेरा क्रैश कोर्स का जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसलिए मैं जो किया सीधा क्वेश्चन और आंसर दोनों बताते चले गए हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।